नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। धारा 370 और 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई ऐसे बदलाव किए गए जो इतिहास में दर्ज हो गए। स्टेट यूटी बन गई, स्टेट सब्जेक्ट को डोमिसाइल में बदल दिया गया और अब एक और बदलाव देखने को मिला जिससे जम्मू की आवाम बेहद खुश नजर आएगी, क्योंकि जम्मू की आवाम और नेता बार बार ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में जे को उतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी के को मिलती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि सिर्फ के ही लगा दिया गया। क्या है ये पूरी खबर जे और के की, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मार्क किए गए इस डेजिग्नेशन को जरा ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओहदे के पास जो लिखा गया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। ओहदे के पास जो लिखा गया है, पहले वहां पर KAS लिखा जाता था, लेकिन अब आप देखेंगे उसकी जगह JKAS लिखा गया है। भविष्य में जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। धारा 370 और 35A को हटाने के बाद कई ऐसे फैसले लिए गए जो इतिहास में दर्ज हो गए। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर यूटी बना दिया। जम्मू कश्मीर को भी यूटी का दर्जा दे दिया गया। स्टेट का संविधान समाप्त हो गया। स्टेट सब्जेक्ट की जगह डोमिसाइल ने ले ली। केंद्र के कई कानून लागू हो गए। अब एक और बदलाव लाया गया है। कश्मीर प्रशासनिक सेवा को अब कश्मीर प्रशासनिक सेवा यानी कि KAS से नहीं बल्कि JKAS से जाना जाएगा। अब KS भी इतिहास बन गया है। इस नए फैसले ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में कुछ और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और जहां जहां सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ कश्मीर लिखा जाता था, शायद अब उसकी जगह जम्मू कश्मीर लिखा जाए, यानी अब जम्मू और कश्मीर को एक ही चश्मे से देखा जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले जम्मू के कई नेताओं ने KAS को JKAS में बदलने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद।